तो भाई रूस तो मैं आप लोगों को हमेशा दिखाता हूँ, पर आज ओवरटेक्स देखने में मज़ा आ रहा था। भाई आज मेरा मेन फोकस उसमें रहने वाला है। गाड़ी 130 की रफ्तार में लगातार भाग रही है, 5 ओवरटेक ऑलरेडी कर चुके हैं केवल झांसी से ग्वालियर के बीच में, अब ग्वालियर से दिल्ली के बीच में। मुझे लगता है 5-7 ओवरटेक तो यहाँ भी होने वाला है, वो भी संपर्क क्रांति जैसी प्रीमियम ट्रेन से। बने रहिए, मज़ा बहुत आने वाला है। जब ट्रेन इतनी लग्जूरियस हो तो यात्रा करने में किसे मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसी कमाल की यात्रा रही थी हमारी सेंट्रल रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस में। खाना पीना बिल्कुल गर्मा गर्म इसमें सर्व किया जाता है, सभी सुविधाएं इसमें बिल्कुल बेहतरीन हैं। इस ट्रेन को इसके रूट में खूब प्रायोरिटी मिलती है, लगातार ये ट्रेनों को ओवरटेक करते हुए बिल्कुल कम समय में दिल्ली तक के अपने सफर को तय करती है। आगे और पीछे दोनों ही तरफ ट्रेन में लोकोमोटिव लगाए जाते हैं ताकि पुश पुल प्रणाली से तेज गति प्राप्त हो सके। घाट सेक्शन में बेहतरीन नज़ारों के साथ हम लोगों ने मुंबई से अपने सफर को शुरू किया था। नज़ारे वाकई में इस रूट में ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे आपको बाकी रूटों में नहीं देखने को मिलेंगे। कभी भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मानसून में इस रूट को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बाकी घाट के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे और मैं आप लोग को बता दूँ, खूबसूरत सी शाम ढल चुकी थी और गर्मा गर्म सूप पीते हुए हमारी ट्रेन ने 130 की रफ्तार को छू लिया था और हम लोगों ने मनमाड स्टेशन को बिना रुके पार कर लिया था। और ऐसे ही हमारी ट्रेन भुसावल स्टेशन में भी नहीं रुकी थी और अब बारी है इस जर्नी के पार्ट टू की। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पार्ट में आपको एक से एक ओवरटेक देखने को मिलेंगे जहां हमारी राजधानी एक्सप्रेस 6-7 ट्रेनों को गजब की रफ्तार में ओवरटेक करेगी केवल झांसी से दिल्ली के बीच में ही। तो एक एक्साइटमेंट जो है आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मजा बहुत आने वाला है इसमें। अच्छा, अभी सुबह सुबह का वक्त है और हमारी ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय से 5:05 पर पहुंच चुकी थी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आके मेरे को एहसास हुआ कि हाँ भाई, ठंड अभी भी है। और बगल में हमारे महाकौशल एक्सप्रेस खड़ी हुई थी जो कि जबलपुर से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच में चलती है। उसको यहीं पर ओवरटेक करते हुए हम लोग सफ़र में आगे की ओर बढ़ते हैं। अंधेरे में ही और बहुत सारे ओवरटेक देखने को मिलेंगे। वैसे झांसी की बात करूँ तो यहाँ से आपको कानपुर की लाइन मिल जाएगी जो कि काफ़ी सीधा पड़ता है। अगर आप आगरा की तरफ से जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ से आप प्रयागराज वाली लाइन की ओर भी बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है और मॉर्निंग टी यहाँ पे सर्व कर दी जा चुकी है एकदम अर्ली मॉर्निंग। मैंने तो 5:15 ही उससे पूछ लिया था, पर मैंने बोला थोड़ा रुक जाओ। और अभी ओवरटेक्स का सिलसिला चल रहा है, राजधानी प्रायोरिटी को हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। काफ़ी कमाल की राजधानी है, जो जो सामने आ रहा है सब ओवरटेक हो रहे हैं। आज बहुत सारे ओवरटेक्स आपको मिलेंगे देखने को। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मज़ा बहुत आने वाला है। ब्रेकफास्ट भी ट्रेन का मैंने बहुत तारीफ सुनी कि ब्रेकफास्ट अच्छा होता है, आज वो भी ट्राई करेंगे। 2018 के बाद मैं आज इसमें 19 के बाद आज इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो और मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसा होने वाला आगे का सफ़र, इंजॉय करिए इसे। ओवरटेकिंग कर्नाटक एक्सप्रेस बिफोर ग्वालियर।
पानी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। सुबह 4 बजे की चली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अमृतसर मेल जो चलती है उसको भी हम लोगों ने ओवरटेक किया है। वो वैसे तो चलती 11:45 में, उससे ही निकलने वाला था अमृतसर के लिए और वो 5 घंटे लेट हो गई और सुबह 4 बजे करीब निकली है मुंबई से, इसलिए मैंने उसमें जो टिकट था वो कैंसिल कर दिया। 4 बजे की राजधानी ली है फिर भी उसे हम ओवरटेक कर रहे हैं ग्वालियर से पहले। ये देख लो ये है राजधानी, इसलिए कहते हैं इसे CR की बेस्ट ट्रेन। सामने आप छोटी लाइन के कोचेज यहाँ पे देख रहे हो। एक ज़माना था जब ग्वालियर से शिवपुर कलान और बाकी रूट्स के लिए नैरो गेज की छोटी लाइन की ट्रेन चला करती थी। राजा महाराजाओं के ज़माने से ट्रेन यहाँ पे चल रही थी, खैर अभी तो ये बंद कर दी जा चुकी है। बाकी के साथ ग्वालियर जंक्शन हम लोग पहुँच गए, यहाँ से भिंड इटावा गुना वाली लाइन इन सभी रूट्स के लिए आप जा सकते हैं। बाकी ग्वालियर में भी ट्रेन से कई लोग उतर रहे हैं कि ग्वालियर से भी यहाँ पे कई लोग चढ़ने उतरने वाले हैं ट्रेन में अपनी राजधानी एक्सप्रेस में। आप लोग को बता दूं कि ग्वालियर में हमारा आधे घंटे का डिले हो चुका है, 6:09 यानी 6:09 AM का यहाँ पे अराइवल टाइम था, यहाँ 6:40 हम लोग पहुँच रहे हैं, मात्र 2 मिनट का होल्ड रहने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगरा कैंट 7:30 का टाइम था तो अब जो डिले है वो होगा और 8 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। हर जगह 2-2 मिनट का होल्ड टाइम है तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना। बाकी स्टेशन का डेवलपमेंट देखो बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं यहाँ पे, लगातार काम भी चल रहा है यहाँ पे। तो भाई जो लोग ग्वालियर से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। और ग्वालियर तो हम लोगों ने बहुत घूमा है, पनवाड़ी पोहे से लेकर यहाँ का जो किला है नैरो गेज वाली लाइन, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर की है। बट एक चीज़ और है कि आगे हमारे 4 प्रीमियम ट्रेन चल रही हैं जिन्हें ओवरटेक करेंगे, तो देखते हैं वो कब होगा। ग्वालियर की जो सुबह सुबह की वाइब्स है ना वो बहुत अच्छी है और अब ठंड धीरे धीरे जा रही है तो मौसम एक काफ़ी अच्छा सा मौसम रहता है यहाँ पे, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। Thank you.
यहाँ पे अभी हम लोग धौलपुर रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। टांगपुर वाली जो लाइन है वो तो बंद हो चुकी है, छोटी लाइन यहाँ समाप्त हो चुकी है पूरी तरीके से। आप लोगों ने वो जर्नी मेरे साथ एक बार देखी होगी, बगल वाले प्लेटफॉर्म से ही खुला कर दी थी। टांगपुर और सरमथुरा के लिए सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, सभी चीज़ें गॉज कन्वर्जन यानी आमान परिवर्तन की हो जा रही है। कंस्ट्रक्शन का काम भी आप देख सकते हो जोरों शोरों से चल रहा है। सेवन हो रहा है, संपर्क क्रांति आगे आगे चल रही है, उसके ओवरटेक का इंतजार है। पर फर्स्ट ब्रेकफास्ट जो यहाँ पे सर्व हो चुका है, जिसमें आपको फ्रूट एक मिल जाता है, कॉर्नफ्लेक्स है, और यहाँ पे ब्रेड बटर जैम की सुविधा है आपके लिए। इस ट्रेन में आपको ये सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। ब्रेकफास्ट सर्व हुआ है ना, उसमें तो बनाना है, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है, ब्रेड बटर जैम है, ये तो मतलब पैक्ड आइटम है। अभी हमें ट्राई करना है जो ट्रेन का बना हुआ आइटम है। देखो यहाँ पे आ चुका है जो, इसमें है पोहा, उपमा और कटलेट। ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, आपकी मर्जी है, जो आप चुनना चाहो चुन सकते हो उसमें ट्रेन में। ये जो आइटम है ये हमें टेस्ट करने हैं, देखते हैं कैसे होगा। मेन चीज़ है कि पोहा, इसमें कांदा पोहा मतलब दिया गया है। बहुत बढ़िया बनाया पोहा, तो उपमा भी टेस्ट कर लेते हैं। मतलब हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसमें तो। टेस्ट में कटलेट मेन है, क्रंची तो नहीं है, काफ़ी सॉगी सा है। ये भी 10/10 है, मतलब ब्रेकफास्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा है गाड़ी का। डिनर भी बहुत अच्छा मिला था, ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा मिला था, मतलब राजधानी के स्टैंडर्ड को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। बाकी अंकल आंटी जानते हैं खाना कैसे लगा। अंकल कैसे लगा ब्रेकफास्ट गाड़ी का? अभी बहुत अच्छा है, और सुबह सुबह राइट टाइम मिल गया। अंकल को आगरा उतरना है, उससे पहले मिल गया वो मेन चीज है, समय से इन्होंने दे दिया। आंटी स्वाद कैसा लगा? अच्छा और कुछ ट्राई करो ना, उपमा वगैरह कुछ। हाँ मैंने उनको उपमा पसंद है, मुझे पोहा पसंद है। एक एक मंगवाऊं क्या? खाने के लिए टाइम भी है कि नहीं? है टाइम। लाइन है वो इटावा से अभी आ रही है, पटना कोटा एक्सप्रेस और ऐसी और भी बहुत सारी ट्रेनें इसी रूट से आती हैं। और अभी हम लोग भंडई जंक्शन पहुँच गए। ठीक है अंकल, मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है आंटी नमस्ते। तो यहाँ पे को पैसेंजर के साथ। हाँ आंटी, थैंक यू आंटी, मिलते हैं फिर। हाँ बाय। को पैसेंजर के साथ हमारा अच्छा खासा रिश्ता बन गया था। तो यही होता है जब एक लंबी जर्नी होती है, को पैसेंजर के साथ रिश्ता बन गया था। काफ़ी मतलब एजेड थे, तो कई जगह मैंने हेल्प भी की थी, खाना पीने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी गाड़ी में, तो उनको उससे रिलेटेड तो कोई दिक्कत हुई नहीं। बाकी सामान उतरवाने चढ़वाने के लिए भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करो, अगर आप लोग भी ट्रैवल करो एज पैसेंजर्स हैं
बेडिंग वगैरह उनके लिए लगा दिया करो, अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो जो एफर्ट लेने में सुकून मिलता है ना, वही वाली बात है। बाकी आगरा तो फेमस है अपने ताजमहल के लिए, यहाँ के पेठे के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप लोगों ने मेरे साथ आगरा भी एक्सप्लोर किया हुआ है। राजधानी यहाँ पे 7:30 आने वाली थी, 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉप होता है, पर गाड़ी आज यहाँ पे आधे घंटे के डिले के साथ आई है, 8 बजे यहाँ पे पहुँची है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑड हो गई। बाकी MP संपर्क क्रांति का ओवरटेक तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जो हमारी बैंगलोर वाली संपर्क क्रांति है ना 12649, उसने ओवरटेक नहीं दिया, वो आगे आगे चल रही है। अब देखना है कि मथुरा के पहले होता है या बाद में, पर दिल्ली मुझे लगता है कि हम ही लोग पहले पहुँचेंगे। तो जो ओवरटेक की एक्साइटमेंट है वो बनी हुई है। ब्रेकफास्ट लेकिन काफ़ी शानदार था, मैंने तीनों चीज़ें ट्राई की और तीनों चीज़ें बहुत ही बढ़िया थी। ये आगरा कैंट से आप लोग कानपुर वाली लाइन पे जा सकते हो, यहाँ से आप लोग बढ़ सकते हो भरतपुर की ओर भी, और आगरा फोर्ट वाली लाइन जो टूंडला की ओर जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जयपुर के लिए भी लाइन गई हुई है, और भरतपुर से आप सीधा बयाना जंक्शन की ओर भी निकल सकते हो। तो मतलब बहुत सारी लाइन है, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखो आप लोग। जंक्शन पे हमसे मुंबई रतलाम बड़ोदरा वाली लाइन मिल चुकी है, और ट्रेन हमारी मथुरा जंक्शन स्किप करने वाली है। यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं दिया गया राजधानी एक्सप्रेस को। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस बैक टू बैक ट्रेन से दिल्ली और ये मथुरा आगरा वाली लाइन पे। संपर्क क्रांति का ओवरटेक भी यहीं पे हुआ, वो देखिए। मथुरा जंक्शन से ना बहुत सारे रूट भी गए हुए हैं, कासगंज फरुखाबाद के लिए लाइन गई हुई है, कासगंज से बरेली के लिए भी लाइन गई हुई है, यहाँ से अपनी मुंबई वाली लाइन तो मैंने आपको दिखाई, सीधा अलवर के लिए भी लाइन गई हुई है, और दिल्ली वाली लाइन तो हम लोग बढ़ने वाले हैं। समझ लीजिए इतने इम्पोर्टेंट जंक्शन क्यों है, और फिर भी ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है। वैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामने खड़ी है ट्रेन नंबर 12649 यशवंतपुर हजरत निज़ामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। काफ़ी कमाल की ट्रेन है, इसका रन काफ़ी अच्छा होता है, पर आज से शायद यहाँ पे ओवरटेक पड़ेगा। कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस वाया काचीगुड़ा। अपनी ट्रेन जो है ना आज बैक टू बैक ओवरटेक कर रही है, राजधानी है तो प्रायोरिटी के पूरे जलवे। कृष्णराजपुरम के WAP-7 के साथ ये अपनी सीआर राजधानी। छाता रेलवे स्टेशन में शाने भोपाल का ओवरटेक भी हो रहा है, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ओवरटेक करके गई है, अब हम लोग भी ओवरटेक कर रहे हैं शाने भोपाल को। आज गाड़ी लेट है काफ़ी। रानी कमलापति हजरत निज़ामुद्दीन शान भोपाल एक्सप्रेस। काफ़ी धीरे क्रॉल करते हुए आज हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, आगे आगे महाराष्ट्र संपर्क क्रांति चल रही है। एक ओवरनाइट ट्रेन है और अभी से दिल्ली पहुंचने में 10:30-11 तो बच जाएंगे।
आगे आगे अगर ट्रेन की बात की जाए तो अभी खजुराहो से जो कुरुक्षेत्र के लिए चलती है ट्रेन, वो एक आगे आगे और चल रही है, वो लेकिन वो एकदम आगे है, लगभग बल्लभगढ़ के पास है, तो पता नहीं उसका ओवरटेक होगा भी कि नहीं। बाकी तेज़ गाड़ी में तो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति बस एक आगे बची है, वरना बाकी सबको हमने ओवरटेक कर दिया। अभी शान ए भोपाल एक्सप्रेस भी यहाँ पर ओवरटेक, इसमें स्लीपर की संख्या अच्छी खासी दी गई होना है ट्रेन होने के बावजूद, वरना आजकल तो ट्रेनों में आपको स्लीपर कोचेस तो देखने को मिलते नहीं। रेलवे लंबे दूरी की जो ट्रेनें हैं ना, उससे स्लीपर के कोचेस को हटा रही है। साफ सुथरी भी है और जनरल भी ठीक ठाक खाली है इसका। आगे ट्रैक में काम चल रहा है इसलिए जो ट्रेनें काफ़ी धीरे जा रही है। अभी दिखा मुझे कि आगे काम चल रहा है। था हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में, पर अभी 10:25 हो रहा है। आगे आगे महाराष्ट्र संपर्क क्रांति चल रही है, ओवरटेक नहीं मिल रहा है, बहुत धीरे धीरे तो लगा, बाद में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लगभग 20 मिनट से गाड़ी यहीं पे क्रॉल कर रही है, देखते हैं कब तक पहुँचते हम लोग निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अभी तो भाई कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है, मिलता हूँ आपसे सीधा। हमारा यहाँ पे जो अराइवल टाइम है वो 9:55 का था और 10:55 पे ट्रेन अपनी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। अपना जो कोच था ना, काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी साफ़ सुथरा है, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, पिल्लो वगैरह का क्वालिटी आप देख लो यहाँ पे, और जो ब्लैंकेट वगैरह मिले थे ना, बहुत अच्छी क्वालिटी के। चलिए सफ़र तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब चलते हैं बाहर और चला जाए। आज हमें महाराष्ट्र संपर्क क्रांति ने ओवरटेक नहीं दिया तो नहीं ही दिया है, अब मन कर रहा है इसमें भी जर्नी कर ही लूँ, क्योंकि इतनी प्रायोरिटी जब है गाड़ी को तो जर्नी तो बनती है। देख लो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति का रेक यहाँ पे खड़ा हुआ है। बाकी ओवरऑल आपको मेरे साथ ये जर्नी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। सियार राजधानी काफ़ी बढ़िया ट्रेन, अगर आपको इसमें टिकट मिल जाता है तो ज़रूर ट्रैवल करिए। खाना पीना साफ़ सफाई सब कुछ बहुत अच्छा है इसमें, और ट्रैवल टाइम आज ज़्यादा लग गया क्योंकि बाकी ट्रेनें 5-5, 6-6 घंटे लेट हैं, हमारी ट्रेन 1 घंटे आई है, इसकी तो शिकायत रहेगी दिल में। लेकिन कभी अगर आप लोगों ने इसमें ट्रैवल किया तो अपने जर्नी एक्सपीरियंस को लिखना बिल्कुल ना भूलें। बस अब मैं निकलता हूँ यहाँ से अमृतसर के लिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए और जर्नी एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।